हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज के पहले इस प्रैक्टिस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आप प्रश्नों का पैटर्न सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा आप जान रहे हैं कि आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों को घुमा दिया जा रहा है, तो सिर्फ पैटर्न के क्वेश्चंस हम कुछ लेकर के उपस्थित हैं। हमारे क्वेश्चन कम ही हैं लेकिन दमदार हैं, क्या आप हल कर सकते हैं? तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी देख लीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्त, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव मोनली फॉर्म रूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पौधा है जिसमें मोनली फॉर्म रूट पाई जाती है। अब सोचिए, ऐसा पूछ लिया है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें मोनली फॉर्म रूट पाई जाती है, ठीक है। अब यहां दे रखा है क्या, मोमोर्डिका, स्वीट पोटैटो, ग्राम और एस्पेरगस, ठीक है। मोमोर्डिका मीन्स क्या दोस्त, करेला, और स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद, और यहां पर ग्राम्स मीन क्या है दोस्त, चना, और एस्पेरगस अर्थात कौन सा सतावर, ठीक है। तो दोस्त, इसमें से किस पौधे की जो जड़ होती है वह मोनली फॉर्म रूट होती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, ये रूट का मॉडिफिकेशन आपने अगर पढ़ा होगा, रूट के मॉडिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, रूट का मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्त, रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है, रूट आप जानते हैं इसे दो भाग में सबसे पहले डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक तो है टैप रूट, टैप रूट है, दूसरा कौन सा है, एडवेंटिटियस रूट, ठीक है, टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट। टैप रूट आप जानते हैं क्या है कि यह जो कहां से, यह जब अंकुरण के समय रेडिकल से निकलती है, ठीक है, मूलांकुर भाग से निकलती है, मूलांकुर भाग से, और यह मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से निकलती है जड़। टैप रूट कितने, यह तीन प्रकार की है दोस्त। एक को कहते हैं हम फ्यूजी फॉर्म, दूसरा है नैपी फॉर्म और कोनिकल, ठीक है, कौन सा, कोनिकल। तो हम आपको बता दें, फ्यूजी फॉर्म किसका एग्जाम्पल है, यह है फ्यूजी फॉर्म मूली, इसका एग्जाम्पल है मूली। मूली में किस प्रकार की जड़, फ्यूजी फॉर्म रूट होती है। और नैपी फॉर्म यह किसमें पाई जाती है दोस्त, यह होती है सलजम। और कोनिकल किसमें होती है दोस्त, यह होती है गाजर में, किसमें, गाजर की जो रूट होती है कोनिकल। अगर इसके स्ट्रक्चर में जाओगे आप, विस्तार से देखना चाहेंगे, तो हम आपको बता दें इसका क्या है। देखिए, जब रूट कुछ इस प्रकार से निकले, पहले थोड़ा सा पतली हो, फिर मोटी हो, फिर ऐसे चले, ठीक है, तो इस प्रकार की जो जड़ होती है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं फ्यूजी फॉर्म। यह मूली में है। और देखो जरा, आप यहां पर अचानक सी, यहां पर मोटे से एकदम बिल्कुल किस रूप में चली जाए जड़, ये पतली होती चली जाए इस तरीके से, तो ये होती है कौन सी दोस्त, ये होती है कोनिकल। अर्थात ये किसका एग्जाम्पल है, ये है गाजर का। और एक कंडीशन, अचानक मोटे से अचानक पतली हो जाए, यदि जड़ ऐसे ही पतली हो जाए, तब इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे नैपी फॉर्म। ये एग्जाम्पल है सलजम का, ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन अब ये यहां पर बताया टैप रूट, यहां पूछा है मोनली फॉर्म रूट किसमें पाई जाती है, तो अभी तो एग्जांपल यहां पर आए नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो सकते हैं दोस्त, इसको जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो एडवेंटिटियस रूट है, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। किसको, एडवेंटिटियस रूट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं दो भाग, इसको देख लेते हैं दो भाग। एक तो भोजन संचय के आधार पर, किसके, भोजन संचय के आधार पर, और दूसरा आधार प्रदान करने और अन्य कार्यों के आधार पर, ठीक है, एडवेंटिटियस रूट को बांटा गया है। अब जो भोजन संचय के आधार पर बांटा गया है, कितने प्रकार की रूट्स है, यह है पांच। कौन सा, टफ मैन दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है TFMAN, टफ मैन, इसको ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे, टी फॉर ट्यूबरकुलेटेड, कौन सा, ट्यूबरकुलेटेड रूट। दूसरा फैसिकुलेटेड रूट है, ठीक है। अगला है मोनली फॉर्म रूट, ठीक है। अगला है एन्यूलेटेड रूट। अगला है नोड्यूलेटेड रूट, ठीक है। अब आपको बता दें, ट्यूबरकुलेटेड किसमें होती है, जैसे शकरकंद में, किसमें होती है दोस्त, शकरकंद में ट्यूबरकुलेटेड रूट हो गई। फैसिकुलेटेड यह किसमें है दोस्त, यह है सतावर में, किसमें है,
फैसिकुलेटेड सतावर में। मोनली फार्म का एग्जाम्पल है दोस्त करेला, कौन सा दोस्त करेला, करेला में किस प्रकार की मोनली फार्म रूट पाई जाती है। एनुलेटेड ये होता है एपोकॉक में, किस में एपोकॉक में होती है। नोड्यूलेटेड जैसे चना मटर में होती है, चना मटर नोड्यूल्स होती हैं। तो आपका यहाँ पर शायद आपका उत्तर तो मिल गया दोस्त, यहाँ पर उत्तर मिल गया। देखिए मोनली फार्म रूट किस में, किसका एग्जाम्पल है करेला में, करेला में किस प्रकार का मोमोडिका, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए ये इसका करेक्टर क्या है दोस्त, इसका करेक्टर ये है कि जड़ ऐसे चलेगी, बीच में गांठे बनेंगी, फिर पतली होगी, फिर गांठे, फिर पतली, फिर गांठे, इस तरीके से ये रूट जिसमें होगी इस प्रकार की जड़ें कहलाती हैं मोनली फॉर्म रूट कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्त, आपका आंसर हो गया मोमोडिका अर्थात करेला। अगर अन्य कार्यों के आधार पर देखेंगे तब भी दोस्त देखिए कितने प्रकार की एफ पी एस चल एच ई एफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्त, एफ का मतलब फाइब्रस रूट जो घास में, प्रॉप रूट जो बरगद में, स्टिल्ट रूट मक्का में, क्लाइंबिंग रूट सीएल से क्लाइंबिंग रूट पान में, हॉस्ट्रोलिया हॉस्टोरियल रूट यह किसमें दोस्त अमरबेल में, इपीफाइटिक रूट आर्किड में, आर्किड में, और फोलियर लूप रूट ये है ब्रायोफाइलम में। ठीक है, तो इसका है नहीं, तो ये रूट का मॉडिफिकेशन अगर आप लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो मोनली फार्म रूट किस में होती है दोस्त, ये होती है मोमोडिका में। ठीक है, अब शकरकंद में कैसी होती है, यहाँ देख लीजिए मैंने बताया ट्यूबरकुलेटेड हो गई, इसमें ट्यूबरकुलेटेड हो जाती है। ग्राम में कैसे है, चना में नोड्यूलेटेड हो गया। एस्पैरगस सतावर में क्या हो गया भाई, फैसिकुलेटेड हो गया। ठीक है, तो इसमें मोमोडिका इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जब भी हम आपको इस सत्र का प्रैक्टिस सेशन कराएंगे तो ऐसे ही कुछ विस्तार से प्रश्नों को लेकर के आएंगे, क्योंकि एक प्रश्न पर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते समय आपके लिए अत्यधिक बेनिफिट होता है। ठीक है, देखिए बुली फॉर्म सेल्स प्रेजेंटिंग, बुली फॉर्म सेल कहाँ पाई जाती हैं, देखिए बुली फॉर्म सेल कहाँ पाई जाती हैं, कह रहा है मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट लीफ में, डाइकॉट लीफ में। देखिए जरा बुली फॉर्म सेल्स कहां होती हैं बताइए पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, बुली फॉर्म देखिए, ठीक है चलिए देखते हैं बुली फॉर्म। देखिए जो लीफ का अगर हम देखें सेक्शन, तो मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, आप जानते हैं जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें एक तो होगी आउटर एपिडर्मिस, सॉरी आउटर और अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस। ठीक है, लोअर इपिडर्मिस स्टोमेटा होते हैं, किसमें डाइकॉट में, और इसमें सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो वो होती हैं कौन सी भाई, लूजली अरेंज होती हैं और एक कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। ठीक है, स्पॉन्जी सेल, ये हो गई स्पॉन्जी सेल, लूजली अरेंज होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, बुली फॉर्म। तो आपको बता दें जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जो एक बीजपत्री पौधे हैं होते हैं अपर इपिडर्मिस पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस तरीके से कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं अपर इपिडर्मिस पर, इन कोशिकाओं को कहते हैं क्या। अच्छा एक बात और कि इसका मेसोफिल में दो प्रकार की पैलिसेड और स्पॉन्जी जो सेल्स होती हैं, दो सेल्स में डिवाइड नहीं होता है, मेसोफिल जो भाग होता है एक ही प्रकार के, इसमें समान व्यास वाली कोशिकाएं होती हैं, और यह कोशिकाएं ऊपर जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसे कहते हैं बुली फॉर्म सेल्स। क्या होती हैं दोस्त, बुली फॉर्म सेल्स, ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने में भी मदद करती हैं, और जब पत्तियां मुड़ती हैं तो इसके टर्गर प्रेशर पर डिपेंड करता है, मुड़ती हैं फिर फैलती हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, मोनोकॉट स्टेम में तो होगा नहीं, देखिए स्टेम में तो होगा नहीं, मैंने बताया लीफ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोनोकॉट लीफ, एक बीजपत्री पौधे की पत्ती में होती है और भी इपिडर्मिस पर। ठीक है, किस पर, इपिडर्मिस पर, अपर इपिडर्मिस पर, कौन सी कोशिकाएं, बुली फॉर्म सेल्स होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर फाउंड इन, हाइपोगाइनस फ्लावर, आप सोचेंगे ये किस प्रकार का पुष्प आ गया। देखिए अगर हम ओवरी की बात करें, मैंने कहा कि हमारे हर प्रश्न में आपको विस्तार मिलता है। ठीक है, तो विस्तार आपको देखने हैं, एक प्रश्न का पूरा विस्तार और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो पूरे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर, फ्लावर को आप देखिए जरा, हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है, देखिए अगर इसकी बात करें तो है फ्लावर्स कितने प्रकार, कंडीशन के आधार पर, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस,
और पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस और इपीगाइनस, इपीगाइनस ठीक है। ये कंडीशन है फ्लावर की, किसके आधार पर? इसी के आधार पर इसमें ओवरी होती है। हाइपोगाइनस फ्लावर उसे कहते हैं जब ओवरी टॉप पर होती है, ओवरी ऑन टॉप ठीक है, किसके टॉप पर? थैलमस के टॉप पर। और जब थैलमस, देखिए हम इसकी कंडीशन बता दें, यहां पर बना देते हैं थोड़ा सा फिगर। देखिए ये है आपकी ओवरी और ये है क्या, थैलमस। जब थैलमस के एकदम टॉप पर ओवरी होती है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस, ओवरी टॉप पर है। और इस प्रकार की जो ओवरी होती है इस ओवरी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी कहते हैं। अगर थैलमस, थैलमस कुछ इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो थैलमस, और ओवरी का आधा भाग जो है इसके अंदर हो, ओवरी का आधा भाग कहां हो? इसके अंदर हो, यहां पर, अर्थात सेंटर से लें तो आधा भाग धंसा हो, तो इसे हम क्या, इसे कहेंगे ओवरी मिडिल में है, ओवरी इन मिडिल, मिडिल भाग में है थैलमस के ठीक है। और इस प्रकार की जो ओवरी होती है, ओवरी की कंडीशन क्या कहलाती है? ये कहलाती हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर ओवरी कहलाती है ठीक है। अब यहीं पर अगर जो है ओवरी बिल्कुल कप लाइक स्ट्रक्चर में धंस गई हो, ऐसे ये थैलमस का भाग है, बिल्कुल कप शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, धंस गया हो बिल्कुल इनसाइड द कप शेप स्ट्रक्चर, तब इस फ्लावर की कंडीशन को इपीगाइनस कहते हैं, इस फ्लावर कंडीशन पेरीगाइनस और इस फ्लावर कंडीशन हाइपोगाइनस, और ये ओवरी कहलाती है इन्फीरियर ओवरी। क्या? इन्फीरियर ओवरी। इसका एग्जाम्पल क्या भाई, हाई सुपीरियर ओवरी किसमें पाई जाती है? होती है क्रूसीफेरी में। किसमें? क्रूसीफेरी में होती है और मालवेसी में होती है, मालवेसी में होती है क्रूसीफेरी और मालवेसी। और यह किसमें होती है? जैसे रोज में हो गया और स्ट्रॉबेरी में हो गया। और इन्फीरियर ओवरी किसमें? जैसे कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी और कंपोजिटी की जो फैमिली है इसमें ओवरी किस प्रकार की होती है? इन्फीरियर ओवरी होती है ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हाइपोगाइनस फ्लावर किसमें होता है? देखिए कंपोजिटी में होता है, नहीं कंपोजिटी में तो कैसा होगा भाई, इपीगाइनस होगा। कुकुरबिटेसी में नहीं, क्या होगा? इपीगाइनस ही होगा। मालवेसी में? जी हां मालवेसी में ही होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर कंडीशन होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, मालवेसी ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री प्रेजेंट इन, एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री किसमें पाई जाती है? सममित। पहली बात तो सिमेट्री को समझिए, सिमेट्री किसे कहते हैं? जब फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर पाए तो उसे कहते हैं सममित। क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। जब फ्लावर को दो समान भाग में आप क्या कर दें, प्लेन्स किसी भी प्लेन से आप बांट दीजिए, दो भाग में बढ़ जाए, तो भाई वो हो गया सिमेट्री। पहली बात सिमेट्री, सिमेट्री दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक और एक होती है जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक दो प्रकार की सिमेट्री होती है। अब एक्टिनोमार्फिक क्या है? कोई ऐसा फ्लावर हो जिसे सेंटर से ले जाएं, त्रिज्या सॉरी उसके सेंटर से किसी भी प्लेन से ले जाएं और दो समान भागों में फ्लावर बंट जाए एक लंब में बांटने पर ठीक है, तब उसे कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे यहां पर देखिए ये फ्लावर है, ये कुछ इस प्रकार से, इसे आप चाहे ऐसे बांट दीजिए तब भी दो बराबर भाग में बंट जाएगा, चाहे आप ऐसे बांट दीजिए तब भी दो बराबर भाग में बंट जाएगा ठीक है। तो ये हो गया एक्टिनोमार्फिक। आप जानते हैं फ्लोरल फार्मूला बनाते समय एक्टिनोमार्फिक का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरह से बनाते हैं ठीक है, अर्थात चाहे इस प्लेन से काटे चाहे इस प्लेन से दो बराबर भागों में पुष्प क्या हो जाता है, बंट जाता है, तो उसे कहते हैं एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। अगर केवल एक ही प्लेन से दो भाग में बटे, केवल एक ही प्लेन से दो भाग में बटे कुछ इस प्रकार से, केवल एक प्लेन से दो भाग में, जैसे केवल एक ही प्लेन से हम बांट रहे हैं, अब अगर ऐसे बांटेंगे तो भाई दो भाग में ये नहीं बटेगा, लेकिन एक ही प्लेन से बांट रहे हैं दो बराबर भाग में बट जा रहा है, तो इसे कहेंगे जाइगोमार्फिक। और आप जानते हैं किसके चिन्ह को हम ऐसा दिखाते हैं इससे, परसेंटेज से ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री प्रेजेंट इन। अब यहां पर पूछा है कि किस फैमिली में होता है, तो किस फैमिली में होता है दोस्त, यह होता है एक्टिनोमार्फिक क्रूसीफेरी और मालवेसी में, क्रूसीफेरी और मालवेसी में। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है करेक्ट, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ठीक है, क्रूसीफेरी में। क्रूसीफेरी को आप ब्रैसिकेसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रैसिकेसी, जिसको जिसमें क्या है सरसों, किसमें? सरसों है ठीक है। और रेफ्लोरेट डिस्फ्लोरेट आप जानते हैं कंपोजिटी में होता है, किसमें होता है? कंपोजिटी, सूर्यमुखी में ठीक है।
और पेपेलियोनेसी फैमिली में भी किस प्रकार का सिमेट्री होती है, जाइगोमॉर्फिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्रूसीफेरी हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन लेकर के चलेंगे दोस्त, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि अब उतने सिंपल से क्वेश्चन नहीं आने वाले टीजीटी में। धीरे धीरे टिपिकल होता जा रहा है, टीफा टीजीटी, टीफा टिपिकल। तो हालांकि निराश होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए जरा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन सीज, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन किस में होता है, कह रहा है कि फाइलोक्लेड, क्रिस्टोलन, राइजोम, रनर, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अभी तक मैंने पहले क्वेश्चन आपको रूट मॉडिफिकेशन के बारे में बताया था, अब यहाँ बात कर रहा है स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में। तो क्या स्टेम का मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा है, यदि पढ़ा है तो इसका राइट आंसर आप जरूर कर पाएंगे। तो चलिए, नहीं देखा तो हम आपसे बात करते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है। स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है दोस्त, स्टेम का जब मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें स्टेम तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है एरियल वाईवी, और एक होता है सब एरियल अर्धवाईवी, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड। क्या होता है दोस्त, अंडरग्राउंड। देखिए जो तना होता है, कुछ तने वाई में होते हैं बिल्कुल लहराते हुए चल रहे हैं, और कुछ होते हैं आधा जमीन में हैं और आधा लहरा रहे हैं, और कुछ होते हैं एकदम घुसे हुए हैं, ठीक है। तो कितने तने, कितने प्रकार के, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। अब एरियल में कौन है मेरे भाई, इसमें जैसे टेंड्रिल हो गया, कौन सा हो गया, टेंड्रिल, ठीक है, टेंड्रिल। फिर आपका हो गया फाइलोड, फिलोड, ठीक है, फिलोड के बाद है फाइलो क्लैडोड, नॉट फिलोड, क्लैडोड, ठीक है। कौन सा दोस्त, यहां पर क्लैडोड है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लैडोड की बात कर रहे हैं यहां, क्लैडोड, क्लैडोड, और फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड। फिर उसके बाद है आपका बल्बिल, कौन सा, बल्बिल। फिर हो गया थॉर्न, थॉर्न, थॉर्न में भी तीन है, एक तो प्रिंकल और एक स्पाइन, और अगला थॉर्न ही है, थॉर्न, ठीक है। प्रिंकल जानते हैं कि ये मॉडिफिकेशन जैसे गुलाब में है, गुलाब में है, ठीक है। अब टेंड्रिल जैसे, इसका एग्जांपल टेंड्रिल किस में होते हैं, जैसे अंगूर में। अब अंगूर में देखा है कुछ, जैसे ये आपका अंगूर हो गया, इधर से अंगूर हो गए, अब यहां से निकलते हैं इस प्रकार से, तो ये होता है टेंड्रिल। क्या होता है दोस्त, टेंड्रिल, ठीक है। तो एरियल मॉडिफिकेशन कहाँ मॉडिफिकेशन है, ये तना का ही मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल, जो घूम के मूछ जैसे निकला होता है, ठीक है। अब क्लैडोड और फाइलोक्लैड, क्लैडोड एस्पेरगस, ठीक है, और फाइलोक्लैड जैसे नागफनी, कौन सा दोस्त, नागफनी है, ठीक है, नागफनी। अब यहाँ बल्बिल हो गया, कौन, डायस्कोरिया, जैसे डायस्कोरिया। अब सब एरियल की अगर हम बात करें, सब एरियल की दोस्त, तो यहाँ पर भी चार प्रकार का है, रनर है, सकर है, रनर, सकर, स्टोलोन, स्टोलोन और ऑफसेट, ऑफसेट, ठीक है। ये चार भाग में बटा है। रनर जैसे दूब घास, ये दूब घास भी क्या करती, रन करती, स्टेम गया एक जगह से, निकले पूरे फाइब्रस रूट, फिर चला, फिर निकले, तो आगे आधे इसके तने वायु में हैं और आधा कहाँ है, ये पृथ्वी पर है, ठीक है, यही सॉयल पर है, तो इसे सब एरियल कहेंगे। सकर जैसे पुदीना, ले लो पुदीना, गाना सुना होगा, ये पुदीना भी है उसी तरह से। स्टोलन और ऑफसेट, ऑफसेट जैसे कौन, पिस्टिया, ठीक है, कौन सा, पिस्टिया। तो ये सभी हैं, बाकी अंडरग्राउंड में आप जानते हैं कि कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, इसका मतलब क्या है, कंद का मतलब है ट्यूबर, कौन सा दोस्त, ट्यूबर, कंद का मतलब क्या, यहां पर ट्यूबर हो गया, ट्यूबर, और राइजोम, राइजोम, और कॉर्म, कॉर्म, और बल्ब, बल्ब। तो आपको बताते हैं जो ट्यूबर होता है किसमें होता है, आलू में, आलू, और राइजोम, अदरक, और कॉर्म प्रकार का, अरवी, अरवी, बल्ब, प्याज, ठीक है, प्याज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, फाइलोक्लैड, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन किसमें होता है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लैड, कौन सा, फाइलोक्लैड, आप यहां देख रहे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं, कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये आपके लिए है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिए, और क्या इसी तरीके से रेगुलर क्लास कर चलनी चाहिए आपकी, ठीक है, फटाफट इस अंदाज में या कुछ और चेंजेस किए जाएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए, ठीक है। यहां पर प्रश्न है, फंक्शन ऑफ रूट हेयर जोन ऑफ प्लांट इज, ठीक है, जो रूट हेयर जोन का कार्य होता है वह क्या है, पौधों में रूट हेयर जोन, पौधों में रूट में कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन होता है,
जो नाफ इलोंगेशन होता है और जो नाफ डिवीजन होता है, रूट कैप होता है, उसी के बीच में रूट हेयर्स भी होते हैं। अगर नहीं देखा तो हम आपको बता दें, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये रूट हेयर्स हो गए मेरे भाई, ये क्या हो गए, रूट हेयर्स हो गए। चल भाई रूट हेयर्स और इस तरीके से आ गया, और यहां होती है रूट कैप, रूट कैप, ठीक है। अब जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, ये रूट हेयर जोन है, क्या है, रूट हेयर जोन है, ठीक है। और यहां पर जोन ऑफ डिवीजन है, ठीक है। तो कह रहा है एक फंक्शन ऑफ रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन का क्या कार्य है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारा आज का यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।